वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात पर राज्यसभा में खासा हंगामा हुआ। कांग्रेस ने मुद्दा उच्च सदन में उठाया तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्टीकरण दिया। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ट्राई संशोधन बिल लोकसभा में पास, बड़ी खबर। ट्राई संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, हालांकि इस पर कांग्रेस और जेडीयू अड़े हुए थे और आरजेडी ने भी इसका विरोध किया, लेकिन बाकी सभी ने इसका सपोर्ट किया। बिल के समर्थन में आईटीएमसी भी, एसपी बीएसपी एआईएडीएमके एनसीपी ने किया समर्थन। रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ है। रीमा, पूरी खबर बताएं। देखिए, अब नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर जो बादल मंडरा रहे थे वो सब साफ हो गए हैं, क्योंकि बिल लोकसभा में पास हो गया। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि बादल पूरी तरह साफ हो गए हैं, क्योंकि राज्यसभा में सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर संख्या बल थोड़ा सा कम है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह आज हमने सदन में देखा निशान कि तृणमूल कांग्रेस जो शुक्रवार तक इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट में पहली बोलने वाली पार्टी थी, आज उसने यू टर्न लिया और सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आई। और कांग्रेस और सीपीएम ने जरूर वॉकआउट किया से इस पूरे मसले पर, लेकिन जिस तरह का सीन हमें लोकसभा में देखने को मिला, इसी तरह से अगर कुछ दल पलटते हैं तो राज्यसभा में भी लगता है कि सरकार के पक्ष में ही ये बिल जाएगा। जिस तरीके से आप बता रही हैं, लेकिन यहां पर एकाएक जो जिन जिन लोगों ने साथ दिया उनकी तो उम्मीद भी नहीं थी। बिल्कुल निशान, देखिए तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी थी जिसने सबसे शुरुआत से ही, जब से ऑर्डिनेंस लाया गया था तभी से इसका विरोध किया था। और सदन में भी शुक्रवार को जब रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे तब सौगत रॉय सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज सभी ये देखकर चौंक गए कि जब तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय खड़े हुए बिल पर बोलने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपनी टीम में किसे रखते हैं और इसीलिए वो इस बिल का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए रास्ता साफ हुआ और लग रहा है कि राज्यसभा में भी हो सकता है कुछ दल सरकार के साथ खड़े नजर आए। राज्यसभा में आपने बताया, यानी कि अभी जो जिस तरीके से लोकसभा में इस बिल का रास्ता साफ हो गया है, चीजें एकदम इस पर मोहर लग गई हैं, लगता है ऐसा कि राज्यसभा में भी अब दिक्कतें आने वाली नहीं है। देखिए, फिलहाल तो संख्या बल सरकार के पास कम है, लेकिन जिस तरह से अभी कोई भी पार्टी पत्ते पहले से नहीं खोल रही है और जब संसद में डिबेट शुरू होगी राज्यसभा में इस बिल पर तब पत्ते खोलेगी, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं निशान कि शायद अब पार्टी के लिए कुछ हद तक रास्ता साफ हो जाएगा। रीमा, एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आज जिस तरीके से इस बिल के ऊपर समर्थन मिला है लोकसभा में, क्या हम एक नया इक्वेशन देख रहे हैं समर्थन के लिहाज से अलग अलग सदनों में आने वाले दिनों में? देखिए निशांत, ये पूरा सेशन हमने देखा कि किस तरह से अगर हम सबसे ज्यादा विरोधी दल किसी को माने इस सदन में तो वो लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि हर मसले पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद हंगामा बरपाए हुए हैं, सरकार के हर फैसले के खिलाफ वो खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जिस तरह इतना संवेदनशील मुद्दा था जिसको लेकर सभी विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में था, विपक्ष में जो फूट दिखाई दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग खड़ी हुई नजर आई है, आरजेडी जरूर कांग्रेस के साथ थी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से ये जो बिखराव नजर आया विपक्ष का, वो हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए कम से कम एक अच्छी खबर है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।